नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक बार फिर हाजिर है ऐसे मुद्दों को लेकर जो मुद्दे जरूरी हैं और आपसे जुड़े हुए हैं। सरकार ने गांव-गांव हैंडपंप लगवाए हैं ताकि भीषण गर्मी में भी लोगों को पीने लायक पानी मिल सके, लेकिन गांव में लगे ज्यादातर हैंडपंप सूख पड़े हैं या यूं कहें कि सिर्फ शोपीस के लिए लगे हैं, क्योंकि इसमें पानी तो आता नहीं। और ऐसे ही कुछ हाल पीलीभीत के नौगवा चौराहे का है, जहां हैंडपंप तो लगे हैं लेकिन सिर्फ शोपीस के लिए। बता दें कि यहां सरकारी नल पिछले कई सालों से खराब पड़े हैं। वहीं इसके अलावा मंडी गेट पर लगे हैंडपंप की हालत भी कमोवेश वैसी ही है। शहर के नौगवा चौराहे से तमाम यात्री राहगीर रोजाना गुजरते हैं और बिना पानी के परेशान होते हैं। बता दें कि यहाँ तमाम किसान मंडी में अपना गेहूं और धान की फसल को बेचने आते हैं और पीने का पानी ना मिल पाने से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। शोपीस बने सरकारी हैंडपंप, हैंडपंप है सूखे, नहीं आता पानी, कैसे बुझे राहगीरों की प्यास, बिन पानी सब सून। सरकार ने गांव-गांव हैंडपंप लगवाए हैं ताकि भीषण गर्मी में भी लोगों को पीने लायक पानी मिल सके, लेकिन गांव में लगे ज्यादातर हैंडपंप सूखे पड़े हैं या यूं कहें कि सिर्फ शोपीस के लिए लगे हैं, क्योंकि इनमें पानी तो आता नहीं। और ऐसा ही कुछ हाल पीलीभीत के नौगवा चौराहे का है, जहां हैंडपंप तो लगे हैं लेकिन सिर्फ शोपीस के लिए। बता दें यहां सरकारी नल पिछले कई सालों से खराब पड़े हैं। वहीं इसके अलावा मंडी गेट पर लगे हैंडपंप की हालत भी कमोवेश वैसी ही है। शहर के नौगवा चौराहे से तमाम यात्री और राहगीर को बेहद परेशानी हो रही है। बता दें यहाँ तमाम किसान मंडी में अपना गेहूं और धान की फसल को बेचने आते हैं और पीने का पानी न मिल पाने की वजह से काफी परेशान रहते हैं। दिक्कत ये आ रही है जो होली से पहले के नल खराब है चौराहे के, और होली से पहले के गर्मी स्टार्ट हो गई है। पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, यात्री लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। चौराया पूरा सुधरा हुआ लेकिन नल एक भी सुधरा हुआ नहीं है। लौट के पानी आता है वो भी रोड पे आता है, नौ चौराहे पर कोई नल सब नल नहीं है, यात्री लोग बहुत परेशान हैं। इसके अलावा शहर के गोहनिया चौराहा और नौगवा चौराहा पर नगर पालिका की तरफ के लगाई गई पानी की टंकी की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है। इसी मामले को लेकर जब हमने पीलीभीत के ईओ सुरेंद्र कुमार से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। पीने के पानी के लिए जैसे कि अभी पूर्णागिरी का मेला भी चल रहा है तो यात्री आते हैं, क्योंकि हम बांसुरी चौराहे से और आपके कतरी चौराहे पे और आगे गोहनिया पे और आगे आगे कलेक्ट्रेट के सामने पूरे रोड पे हम चार पांच टैंकर डेली खड़ी करा रहे हैं ताकि राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो। नल जो है इस बीच उनको भी हम लोग सही कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो रिबोर है उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन जो मरम्मत है वो मरम्मत हम लोग करा रहे हैं। भीषण गर्मी में गांव में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। 20% से ज्यादा हैंडपंप खराब है, प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा। अब ऐसी स्थिति में कैसे प्यास बुझे ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो देखा आपने, हैंडपंप तो बहुत सारे हैं लेकिन हैंडपंप में पानी नहीं आता है। पानी की किल्लत की वजह से जो आसपास के लोग हैं वो तो परेशान ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक मंडी है जहाँ पर रोज़ाना किसान अपने गेहूं की फसल और जो धान की फसल है वो बेचने के लिए आते हैं। तो ऐसे में उन्हें इस भीषण गर्मी में बिना पानी कितनी परेशानी होती होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे सहयोगी प्रांजल मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे और वहां के हालात दिखाएंगे किस तरह के हालात हैं और जो हैंडपंप है वो बिना पानी के सूखे खड़े हैं। प्रांजल का मैं रुख करूंगी, प्रांजल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रांजल, कैसी तस्वीर नजर आती है? हैंडपंप तो बहुत ज्यादा है लेकिन हैंडपंप में पानी नहीं आता है, आखिर ये हैंडपंप सिर्फ क्या शोपीस है? इसकी यही हालत बनी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो ये जो प्रमुख चौराहा है, शहर का नौगवा चौराहा है, वो तमाम यात्री यहाँ से
हैं, बरेली जाते हैं यहाँ से, और इसके अलावा माँ पूर्णागिरी धाम का जो है मेला भी समय चल रहा है, 90 दिन का ये मेला है। तमाम यात्री यहाँ से होकर गुजरते हैं, बसें जो रोडवेज की बसेस हैं वो यहाँ से सवारी बैठ के गुजरते हैं। तमाम यहाँ पे यात्री भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम यात्री यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ बसों का इंतजार करते हैं। ऐसे में जो है गर्मी की अगर बात किया है, इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है, होली के बाद से ही जो है गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया, तमाम लू इस समय चल रही है, और ऐसे में पानी की जो है व्यवस्था वो यहाँ पर चौपट होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा ये इसी चौराहे पर रोटरी क्लब द्वारा जो है एक टंकी का निर्माण यहाँ पे कराया गया था, जो आज बदतर हो चुकी है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था ना के बराबर है। पीलीभीत जी बिल्कुल प्रांजल, और जो तस्वीरें बेहद ही दयनीय है, क्योंकि गर्मियों में पानी की समस्या इतनी ज्यादा यहाँ पर हो रही है। जो राहगीर हैं आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बस अड्डा भी है, मंडी भी है, तो राहगीर कितना परेशान होते होंगे उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन कितने सालों से हैंडपंप खराब है, इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई, अगर की गई है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी आपको बताना चाहेंगे, जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने लगातार इस पूरे मामले की शिकायत नगर पालिका ईओ को भी की है, उसके अलावा चेयरमैन को भी बोला है, साथ ही साथ विधायकों को भी जो है बोला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जो यहाँ पे लोग हैं, आप इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, जिस तरीके से नौबत चढ़ाया, आप यहाँ के निवासी हैं, जो हैंडपंप है उसकी हालत कब से ऐसी खराब है? एक साल हो गया था। एक साल हो गया, हाँ। तो ये तस्वीरें कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, तो यहाँ नेटवर्क की समस्या आ रही है जिस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन हम लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और जो नगरपालिका के चेयरमैन हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आम लोग हैं वो बता रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि करीब 1.5 साल होने को आया है लेकिन हैंडपंप यहाँ के ठीक नहीं हुए हैं। 1, 2, 3 एक एक करके आपको दिखाई देंगे, पानी की टंकी भी है लेकिन पानी नहीं आता है, पीने के पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है। अगर ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो उसका फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये इलाका मेन बाजार में है और शहरी इलाका है, यहाँ पर भी ये देखिए जो प्याऊ बने हैं उनमें भी रिस रिस कर एक एक बूंद पानी आ रहा है। लोकार्पण के वक्त बड़े बड़े यहाँ पर जो नाम है वो लिख दिए जाते हैं, लेकिन बाद में इनका क्या होता है इसका कोई भी सुद लेने के लिए नहीं पहुँचता है। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं नगर पालिका चेयरमैन पीलीभीत से प्रभात जायसवाल है उनसे जुड़ने की और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रांजल एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रांजल, वहां के जो आम नागरिक है कह रहे हैं कि 1.5 साल हो गया है लेकिन यहाँ के जो नल हैं वो सूखे पड़े हैं, उनसे पानी नहीं आता है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ के जो लोग हैं वो पीने के पानी की समस्या से कैसे निजात अपने आप को दिला पाते हैं, दूसरा विकल्प क्या है उनके पास? अब प्रांजल अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपने स्थानीय तरीके से जो है पानी की जो है व्यवस्था यहाँ पे की हुई है, प्याऊ वगैरह लगाए हुए जो राहगीरों को जो है यहाँ पर गुजर रही है, लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो तमाम जो यहाँ पर जो सरकारी अमला है जिसमें हैंडपंप वगैरह है या पानी की जो रोटी क्लब द्वारा जो है लगाई गई टंकी का निर्माण है, उसके अलावा 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पीरियड में शहर के प्रमुख चौराहों पर जो है बिल्कुल यहाँ मैं रोकूंगी आपको। प्रांजल पुलकित खरे जिलाधिकारी है यहाँ से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको सुनाई दे रहा होगा कि उन्होंने फोन काट दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार कोशिश करेंगे क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है, गर्मी भीषण पड़ रही है, अप्रैल का महीना चल रहा है, 1.5 साल से हैंडपंप खराब है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, हैंडपंप खराब होने की वजह से पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहे हैं। एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि जिलाधिकारी पुलकित खरे को हम यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम में बुलाएं और फिर उनसे बातचीत करें कि आखिर क्या उनके जहन में
ये समस्या पहुंच चुकी है, क्या उन तक ये समस्या पहुंची है, इसका क्या निवारण आगे निकाला जाएगा, क्या आगे समस्या जो बनी हुई है ये यूं ही बनी रहेगी, ये बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रांजल अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रांजल हमें बता रहे थे कि लगातार शिकायत की गई है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, और बार बार हम फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलकित खरे साहब है, जिलाधिकारी है, लेकिन बार बार वो फोन काट रहे हैं। तो बचने की कोशिश यह हो रही है, ये जरूर कहा जा सकता है। तो ये तस्वीरें, एक तरफ तस्वीरें हैं, एक तरफ मेरे सहयोगी प्रांजल वही खड़े हुए हों उसी इलाके में जहां पर ये समस्या है। गोनिया चौराया है, नौगवा चौराया है, एक नहीं दो जगह है, दो जगह पर ये समस्या लगातार बनी हुई है। प्रांजल हम कोशिश कर रहे हैं जिलाधिकारी को बार बार फोन करने की, लेकिन वो फोन काट रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर समस्या का निवारण कैसे होगा? मैंने आपसे पूछा था कि दूसरा विकल्प क्या है, जो यहाँ के लोग हैं उनके पास दूसरा विकल्प कौन सा है, कैसे अपने पीने के पानी की आपूर्ति वो करते हैं। यहाँ पर ये है कि स्थानीय लोगों ने जो है दूसरा एक हैंडपंप जो है यहाँ पे लगा रखा है, जिससे पानी की व्यवस्था वो अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में करीब 8 ऐसे प्रमुख चौराहे हैं जो पीलीभीत 730 नेशनल हाईवे 730 से जोड़ते हैं। पीलीभीत बरेली हरिद्वार नेशनल हाईवे है, उसके अलावा पीलीभीत हरिद्वार वो कैरतपुर खटीमा वाला जो है मार्ग है, तमाम यात्री यहाँ से गुजरते हैं, बरेली के लिए गुजरते हैं। उसके अलावा पूरनपुर लखनऊ हाईवे है, स्टेट हाईवे 730 वो है। उसके अलावा शाहजहाँपुर जहाँ पे पानी की व्यवस्था एक मिनट प्रांजल आपको यहाँ मैं रोकूंगी। सुरेंद्र प्रताप यू हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने भी फोन काट दिया है। आप सुन सकते हैं जो आवाज है फोन काटने की आपको सुनाई दे रही होगी। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदारों से बात करने की, आखिर ये समस्या इतने साल से बनी हुई है तो इससे निजात क्यों नहीं मिल पा रही है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदार अधिकारियों से, लेकिन वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौके पर प्रांजल मौजूद है और उसके बाद उन्होंने वहां का जायजा भी लिया है, किस तरह के हालात हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, जो राहगीर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जो किसान पहुंचते हैं मंडी में वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। इस समय हम शहर के नौगांव चौराहे पर हम मौजूद हैं। बात करें जिस तरीके से अप्रैल का महीना चल रहा है, होली के बाद से ही गर्मी ने जो है विकराल रूप धारण कर लिया, तो बात यहाँ पर की जा रही हैंडपम्प की। जो हैंडपम्प है शहर के मुख्य चौराहे पर, नौगांव चौराहे पर हम इस समय मौजूद हैं। हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि किस तरीके से नल की हालत है वो दिखाएं, कि नल जो है काफ़ी दयनीय स्थिति है और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनकी निगाह इस ऊपर नहीं पड़ रही है। अब बात की जा रही है जिस तरीके से 2020 में आए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने तमाम चौराहों का सौंदर्यीकरण कर उनका कायाकल्प किया, लेकिन नल की हालत बद से बदतर है। इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय हम नौगांव चौराहे में मौजूद हैं और यहाँ से तमाम यात्री बरेली के लिए रवाना होते हैं। जो यात्री यहाँ होते हैं और सवारियों का इंतजार करने के लिए खड़े होते हैं, उन्हें तमाम पानी पीने की जो समस्या है उनको महसूस होती है। वहीं इस समय पूर्णागिरी उत्तराखंड में स्थित वहाँ पूर्णागिरी का जो धाम है वहाँ का भी मेला चल रहा है, करीब 90 दिन का ये मेला है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम यात्री यहाँ से पूर्णागिरी जाने के लिए भी रवाना होते हैं। तो कहने की बात यह है कि गर्मी जिस तरीके से यहाँ बढ़ती जा रही है और गर्मी जो है विकराल रूप धारण किए हुए हैं, जो मैंने बताया है मई और जून, और कहते हैं ये कि मई और जून की जो गर्मी होती है बहुत भयंकर गर्मी होती है, लेकिन और नगर पालिका चेयरमैन है प्रभात जायसवाल, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी प्रभात जी, एक समस्या है शहर के गोहनिया चौराहे और नगवा क्षेत्र की। समस्या ये है कि यहाँ पर जो हैंडपंप लगे हुए हैं, दरअसल वो लगे तो हुए हैं और देखने से लगता भी है कि पानी की कोई समस्या नहीं होती होगी, लेकिन पिछले 1.5 साल से खराब है, वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं। आपके संज्ञान में है ये मामला? जो मेरे संज्ञान में आते हैं उनका मरम्मत कराई जाती है। कुछ ऐसे हैं जो रिवोर हैं, रिवोर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी हम लोग वो भी समय समय पर कराते रहते हैं जी। और ये जो है अगर
अगर कहीं आपको कोई लगता है कोई आप भी है तो उसने कहीं कंप्लेंट की है लिखित में, अगर कहीं उसके पास कुछ है तो वो बताए, अगर नहीं करी है तो लिखित में क्या हमको दे दे तो आप भी करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल, तो आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप उस समस्या का निवारण जल्द ही करा देंगे। देखिए, हमारे पास लगातार शिकायत आ रही थी, आसपास के लोग जो हैं गौनिया चौराहे के और नगवा क्षेत्र के, ये कह रहे थे कि हैंडपंप लगा दिए जाते हैं, प्याऊ है लेकिन उनमें पानी नहीं आता है, राहगीर जो पहुँचते हैं, किसान पहुँचते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। इस वजह से हमने आपको, हमने प्रोग्राम चलाया और आपको इसमें आपसे बात भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप आश्वासन दे रहे हैं लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन तो पहले भी कितनी बार मिला है लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसा मैम कि देखिए, ये बात भी कहने में और करने में बड़ा फर्क है। शहर में हमने कम से कम 10-12 जगह तो वाटर कूलर लगाए हुए हैं और 400 कुछ हमारे स्टैंड पोस्ट और ये हैंडपंप लगे हुए हैं। मैक्सिमम सब जगह पानी आता है, कहते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है बिजली नहीं है, बिजली ना होने की वजह से कहीं कोई पानी की समस्या हो गई वो तो अलग बात है। अच्छा, परमानेंट समस्या शहर में कहीं नहीं है। ठीक है, आप नगर पालिका के चेयरमैन हैं तो आपको तो पता होगा कहाँ कहाँ ये समस्या बनी हुई है और आप बता भी रहे हैं कि ये समस्या यहाँ यहाँ है और आप कह रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उनका कहना है कि 1.5 साल से नहीं हो रहा है, पानी नहीं आता 1.5 साल से। गलत कर रहे, 1.5 साल से नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई नहीं आया इसका आपकी कंप्लेंट। अच्छा, आपके पास कंप्लेंट ही नहीं आई है? नहीं आई है कंप्लेंट। हाँ, अगर कंप्लेंट आएगी तो क्यों नहीं उसको कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा। चलिए, आप बहुत अच्छा लगा कि आपने सीधे बोला है कि कंप्लेन जैसे आएगी हम इसका निवारण जल्द से जल्द कराएंगे। उम्मीद करती हूँ कि कंप्लेन आप तक पहुँचे और हम ही आपसे कह रहे हैं कि यहाँ यहाँ समस्या है और हमारे जो सहयोगी हैं जहाँ के हालात खराब है, जयसवाल साहब जो जहाँ के हालात खराब है ना वहाँ पे हमारे जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं। और मैं यहाँ पर प्रांजल को से पूछना चाहूंगी। प्रांजल, देखिए जो चेयरमैन है नगर पालिका के प्रभात जायसवाल, वो हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि शिकायत नहीं की गई है, अगर शिकायत की गई होती तो वो तुरंत इस पर एक्शन लेते और तुरंत कार्रवाई होती। प्रांजल, इस तरीके से चेयरमैन साहब को का साफ तौर से कहना है कि शिकायत उनके पास नहीं आई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने लगातार नगर पालिका को अवगत कराया है शहर के प्रमुख चौराहा नौगवा चौराहा पे, उसके अलावा मंडी गेट के पास में जो है वहाँ पे सरकारी नल खराब है, उसके अलावा गौनिया चौराहे पानी की टंकी लगवाई गई थी, वो पानी की टंकी अब आज की डेट में नहीं है, मौजूद नहीं है, वहाँ से हट चुकी है। तो ऐसे तमाम शिकायत लोगों ने की होती है। जयसवाल साहब, ये सहयोगी वहीं पर मौजूद है जहाँ जहाँ समस्या बनी हुई है, आप देखिए ये तो बता रहे हैं वहीं पे लोग भी मौजूद हैं। बात लड़ाई की नहीं है, बात ये नहीं है कि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ आप जवाब दे, बात सिर्फ ये है कि समाधान होना चाहिए। मैं इसको लड़ाई समझते ही नहीं, मैं तो इससे और प्रेरणा लेता हूँ, काम कराता हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं समस्या है तो उसका निवारण किया जाएगा, मैं खुद देख लूंगा। तो आपकी आवाज जो वहां की आवाम है वो सुन रही है, तो आप आश्वासन दे दीजिए कि 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में समस्या का निवारण हो जाएगा और हैंडपंप में पानी आ जाएगा, अति शीघ्र इसको किया जाएगा। अति शीघ्र कितना शीघ्र, कितना जल्दी? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना? जयसवाल साहब, देखिए आप कहेंगे मैं कह दूंगा आपसे 1 साल लगेगा, मैं आपसे कहता हूँ अति शीघ्र 2-4 दिन में करा देंगे इसको। 2-4 महीने या 4 महीने या दो? अरे भाई 2-4 दिन, 2-4 दिन में, चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो 2-4 दिन में समस्या का समाधान। देखिए ऑन एयर आप बोल रहे हैं और दर्शक आपको देख रहे हैं, तो जल्दी से करवा दीजिएगा मुझे किसी को। और एक बार फिर से एक बार और मैं चाहती हूँ कि आप बोल दीजिए, लोगों को राहत मिलेगी। किसी को नहीं दिखाना, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेना, मुझे समस्या का समाधान करना। ठीक है, आप जैसे अगर और नगर पालिका के चेयरमैन हो तो ऐसी समस्या नहीं आएगी और समस्या का निवारण भी जल्दी हो जाएगा। चलिए जयसवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रभात जयसवाल नगर पालिका चेयरमैन पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रांजल, आपने भी सुना, वहां की जो जनता है उन्होंने भी सुना है, 1 या 2 दिन में जो समाधान है वो जल्द से जल्द यहाँ पर हो जाएगा और उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन पे कितना ज़्यादा वो खरे उतरते हैं ये तो 1-2 दिन बाद ही पता चलेगा। हम फिर से इस खबर को चलाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना समाधान हुआ है।
तो प्रांजल लगातार मेरे साथ बने हैं। प्रांजल, वहां की जो जनता है, क्या प्रांजल मेरे साथ जुड़े हुए? प्रांजल आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। प्रांजल देखिए, जिन हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है, 2 से 3 दिन में पानी आ जाएगा, ऐसा आश्वासन चेयरमैन साहब ने दिया है। प्रभात जायसवाल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अति शीघ्र 2 से 3 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वहां के जो आवाम है, वहां की जनता है, उनको आश्वासन दे दीजिएगा कि हम लगातार ऐसी समस्याओं को उठाएंगे। अगर 2 से 3 दिन में हैंडपंप में पानी नहीं आता, हम फिर इस खबर को चलाएंगे और फिर फोन करेंगे प्रभात जायसवाल जी को और जानेंगे कि आखिर 2 से 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और जनता से आप बात करिए, इस आश्वासन से संतुष्ट है वो, बताइए उन्हें। तो यहाँ पर नेटवर्क की समस्या हो रही है, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं और फिर ऐसे हम जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर जब आश्वासन मिलता है और ये कहा जाता है कि जिम्मेदारी है 1 से 2 दिन में जो समस्या का समाधान है वो हो जाएगा, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मेरा गाँव मेरा देश में इन्हीं मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे, ऐसे मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, ताकि जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा हो सके। तो कल फिर लौटेंगे एक अलग मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।